आज मैं आप लोगों के साथ आटा से बनने वाली ढोकला की रेसिपी शेयर करूंगी। ये रेसिपी बहुत ही इजी है और घर के सामानों से बन जाते हैं और बनाना आसान है। आइए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योतिका। ज्योतिका की रसोई में आपका स्वागत है। ढोकला बनाने के लिए सबसे पहले हम एक मिक्सर तैयार करेंगे और वो घोल बनाने के लिए मैंने लिया है एक बाउल और उसमें ऐड कर रही हूँ मैं 1 कप गेहूँ का आटा और साथ में ऐड कर रही हूँ ये मैंने लिया है 1/2 कप दही। इसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ ये स्वाद अनुसार नमक, 1 चम्मच चीनी, 1 छोटी चम्मच चीनी ऐड कर रही हूँ मैं। आप पाउडर शुगर भी ऐड कर सकते हो और अदरक और हरी मिर्च कूट के डाल रही हूँ मैं। और कलर के लिए मैं 1 पिंच हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ। इसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच हरा धनिया और सारे चीज़ों को मैं मिक्स कर लूँगी। सारे इंग्रेडिएंट को मैंने मिक्स कर लिया है। अभी हम 1 कप पानी लेंगे और थोड़े थोड़े पानी ऐड करके ये घोल बना लेंगे। पानी एकदम से ज़्यादा नहीं ऐड करना है, थोड़े थोड़े करके ऐड करना है। मैं एक बार में थोड़ी पानी ऐड डाल रही हूँ, फिर दोबारा पानी इस तरह से डाल रही हूँ और इस तरह से डाल के मैं एक पतला घोल तैयार कर लूँगी। ये देखिए घोल की कंसिस्टेंसी इस तरह से होना चाहिए। और अभी मैं इस बैटर में थोड़ा सा नींबू का रस मिला दूँगी। ये 1/2 नींबू लिया है मैंने, इसमें मैं निचोड़ के ऐड कर दिया है और इसके बाद मैं इसको मिक्स कर दूँगी अच्छे से। और मिक्स करके मैं इसको 15 मिनट के लिए ये इस बैटर को रख दूंगी, ढक के रख दूंगी रेस्ट पे कि आटा फूल जाए। अभी मैं 1 टिन या बर्तन ले लूंगी, जैसे कि 1 टिन होता है, इस तरह से मैं ऑयल से ग्रीसिंग कर लूंगी ताकि ढोकला चुपके ना और ये इजीली निकल आए। मैंने 1 कढ़ाई ले लिया है और कढ़ाई के अंदर पानी डाल दिया है और 1 स्टैंड रख दिया। स्टैंड इसके ऊपर रखा है कि ढोकला के बर्तन रखने। अभी 15 मिनट हो गया है। अभी मैं अब बैटर सेक कर लूँगी और ये देखिए बैटर भी सेट हो गया है। एक बार मैं मिला लूँगी, मिला के अभी देख लूँगी कि इसमें मैं ऐड कर दूँगी 1 टेबल स्पून ऑयल। ये ऑयल ऐड करने से ढोकला बहुत ही टेस्टी और मुलायम बनता है। और इसके बाद इसको भी मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी। मिक्स करके इसके बाद मैं इसमें हम इनो सॉल्ट ऐड करेंगे। मैंने इनो का प्लेन वाला पैकेट लिया है, ये पैकेट मैं इसमें ऐड कर दूंगी। और इसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दूंगी। पानी ऐड करने से ये फॉर्मेट हो जाता है और इसके बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अभी मैं पहले से ग्रीस किया हुआ टिन में ये सारे बैटर डाल दूंगी। जैसे ही मैंने इनो ऐड किया और फटाफट मैंने इस टिन पे ऐड कर दिया और अभी मैं टैप कर दूंगी इस टिन को ताकि एयर बबल ना रहे, एक समान हो जाए। हमने पहले से ही पानी उबाल के भाप बनने के लिए रख दिया था और अभी हम इसमें जो बैटर टीन है वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। इस तरह से थोड़ा सा सावधानी से ऐड करें और इसको मैं 20 से 25 मिनट के लिए ढक के रख दूंगी और ये 20 से 25 मिनट लगेगा इसको बनने में। जब तक हमारा ढोकला स्टीम हो जाए तब तक हम ये एक
तड़का तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने एक चम्मच ऑयल ऐड कर दिया है पैन पे, और इसके बाद मैं ऐड कर दूंगी इसमें थोड़ा सा सरसों के, काले सरसों के दाने, राई के दाने, और इसको फूटने देंगे। और इसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ ये करी पत्ता। आपके पास फ्रेश करी पत्ता है तो वो ऐड कीजिए, मेरे पास फ्रेश नहीं है, ड्राई है। और इसके बाद मैंने हरी मिर्च को बीच में काट के इसको थोड़ा सा भून लेंगे, और एक चम्मच चीनी डाल देंगे, आधा कप पानी ऐड कर देंगे। इसके बाद इस तड़के को आधा कप से, 2-3 टेबल स्पून डाला है मैंने, आधा कप से कम ही है। और इस तड़के को थोड़ा सा चीनी को डिजॉल्व होने देंगे, और इस तड़के को हम ढोकला के ऊपर पोर कर देंगे। हमारा ढोकला कुक हो गया है, और 25 मिनट से थोड़ा सा समय ज़्यादा लगा, मैंने टीन से निकाल लिया। और ये देखिए बहुत ही स्पॉन्जी ढोकला बना हुआ है, और मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरह से, देखिए ये मैं प्रेस करके दिखा रही हूँ कितनी स्पॉन्जी ढोकला बना है। बहुत ही अच्छी ढोकला बना हुआ है, और आप एक बार बना के देखिए, आपको बहुत पसंद आएगा। मैं एक दो बार बना के देखी थी, फिर इसके बाद ये रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर किया। ये मेरे को बहुत पसंद आया, और खाने के लिए भी बहुत ही टेस्टी और हेल्दी है, इसीलिए मैंने आप लोगों के साथ ये रेसिपी शेयर किया। और इस तरह से मैं एक नाइफ की सहायता से इसको काट लूँगी, ये देखिए। अभी हम इसमें ऊपर, अभी हम इसके ऊपर तड़का पोर कर देंगे। ये तड़का मैंने तैयार करके रखा था, चीनी का पानी बोल सकते हैं। और ये इसको इसके ऊपर इस तरह से डाल देंगे, ये देखिए, ये बहुत ही टेस्टी ढोकला है और हेल्दी भी है। हमारा ढोकला तैयार है। किसी भी हरे धनिया की चटनी और टमेटो केचप के साथ इसको परोसिए, आपको बहुत पसंद आएगा। आप एक बार बना के ज़रूर देखिए, आपको पसंद आएगा। उम्मीद करती हूँ कि मेरी रेसिपी आपको पसंद आए। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं एक और वीडियो के साथ आपके पास आऊँगी, तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय।